हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। तो बिहार वासियों के लिए काफी अच्छी खबर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए कुल मिलाकर 9 मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात दी गई है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटकलें काफी लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन अब वो फाइनली अप्रूव्ड हो चुका है और उन पर काम बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। इन 9 परियोजनाओं के अंतर्गत 4 हाईवेज और 3 ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि बख्तियारपुर रजौली हाईवे और आरा मोहनिया हाईवे को दो दो पार्ट में डेवलप किया जाएगा, इसीलिए इसको 9 प्रोजेक्ट्स कहा गया है। तो सभी पर एक एक करके विस्तार में चर्चा करते हैं, क्योंकि सही मायनों में यह सभी प्रोजेक्ट्स बिहार के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु के समानांतर न्यू ब्रिज। इस ब्रिज को वर्तमान में उपस्थित महात्मा गांधी सेतु ब्रिज के समानांतर बनाया जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 5.634 किलोमीटर होगी एवं 14.5 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। यह एक 4 लेन रोड ब्रिज होगा जो कि पटना के 0 माइल को हाजीपुर के रामाशीष चौक से कनेक्ट कर देगा। इस ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और इस ब्रिज के बन जाने के बाद नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी एवं ओल्ड महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी छुटकारा मिलेगा। इस महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए 4 लेन ब्रिज के लिए इन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। टेंडर किसको इशू होता है बहुत जल्दी पता लग जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 2,926 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिनांक 21 सितंबर 2020 को इस ब्रिज का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के बारे में। पटना जिले के बख्तियारपुर से नवादा जिले के रजौली तक नेशनल हाईवे नंबर 20 को 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। वर्तमान में यह रोड 2 लेन है। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल हाईवे नंबर 20, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 31 के नाम से भी जाना जाता था, पटना और रांची को आपस में कनेक्ट करता है एवं झारखंड के क्षेत्र में इस रोड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है और 80% से ऊपर रोड 4 लेन में कन्वर्ट हो चुका है झारखंड स्टेट में। अतः बिहार स्टेट में बख्तियारपुर से झारखंड सीमा के पास रजौली तक वाया हरनौत, बिहार शरीफ, पावापुरी, नवादा इस रोड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा एवं पटना से बख्तियारपुर तक ऑलरेडी 4 लेन रोड मौजूद है। इस प्रकार इस रोड परियोजना के बन जाने के बाद पटना और रांची के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी एवं ट्रेवल ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 98.12 किलोमीटर होगी एवं इनके निर्माण में कुल 3,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का फेज 2 और फेज 3 अप्रूव्ड हो चुका है, 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में एवं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किया गया है एवं यह प्रोजेक्ट पटना के लिए काफी आवश्यक है और यह पटना के अंदर लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा दिलाएगा। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट बिहटा के पास कन्हौली से शुरू होकर नौबतपुर, रामनगर, कच्ची दरगाह बीदूपुर ब्रिज क्रॉस कर बीदूपुर, सराय, अस्तीपुर, नया गांव, दिघवारा एवं दिघवारा और शेरपुर के बीच बनने वाले नए ब्रिज को क्रॉस कर बिहटा के पास कन्हौली में आकर मिल जाएगी एवं इस रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 140 किलोमीटर होगी एवं इसके अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया जाएगा और इसके निर्माण में कुल 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इस रिंग रोड परियोजना के पहले फेज में कन्हौली से रामनगर तक का सेक्शन कम्प्लीट किया जाएगा, जिसकी लेंथ 39 किलोमीटर होगी एवं इसके निर्माण में लगभग 913 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह रिंग रोड पूरी तरीके से 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4 पे बात करते हैं कोसी नदी के ऊपर बनने वाले फुलौत घाट ब्रिज के बारे में, जिसको कि बीरपुर बिहपुर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज को सुपौल जिले के बीरपुर से भागलपुर जिले के बिहपुर के बीच बनाया जा रहा है और यह एक 4 लेन का ब्रिज होगा। इस ब्रिज को नेशनल हाईवे नंबर 106 पर बनाया जा रहा है और इस ब्रिज के बन जाने के बाद सुपौल के फुलौत और भागलपुर के बिहपुर के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में फुलौत और बिहपुर के बीच का ट्रेवल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद यह डिस्टेंस 12 किलोमीटर रह जाएगी। इसके साथ ही इस ब्रिज के बन जाने के बाद भागलपुर से नॉर्थ बिहार और नेपाल जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 6.93 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह बिहार का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। इस ब्रिज के निर्माण के बाद कोसी क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। इस ब्रिज के निर्माण में कुल 1,478 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना में ब्रिज
और ब्रिज के साथ बनने वाले अप्रोच रोड की कुल लंबाई 28.93 किलोमीटर होगी और यह पूरी तरीके से 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले नए ब्रिज के बारे में। बिहार राज्य के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 4.367 किलोमीटर होगी। यह नया ब्रिज भागलपुर और नवगछिया के बीच में बनाया जाएगा। यह ब्रिज 4 लेन का ब्रिज होगा एवं इसको कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इस नए ब्रिज के निर्माण के बाद वर्तमान में उपस्थित विक्रमशिला सेतु से ट्रैफिक लोड भी कम होगा एवं विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 1110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं ब्रिज के अलावा 9.933 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के बारे में। यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध होगा। यह सड़क परियोजना बिहार और झारखंड सीमा के पास स्थित मनिहारी के नरेनपुर से शुरू होकर पूर्णिया तक जाएगी वाया कटिहार एवं इस सड़क परियोजना की कुल लंबाई 49 किलोमीटर होगी। और जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के साहिबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच गंगा नदी पर 4 लेन ब्रिज प्रस्तावित है, तो इस सड़क परियोजना के निर्माण के बाद झारखंड की कनेक्टिविटी पूर्वी बिहार, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में कुल 2288 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं आरा मोहनिया 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के बारे में। वर्तमान में आरा से मोहनिया के बीच 2 लेन रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा एवं इसकी कुल लंबाई 115.33 किलोमीटर होगी। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 319 को 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। यह सड़क परियोजना भोजपुर जिले के आरा से कैमूर जिले के मोहनिया तक बनेगा एवं इस सड़क परियोजना के निर्माण के बाद पटना की और आरा की कनेक्टिविटी जीटी रोड से और बेहतर हो जाएगी वाया 4 लेन रोड। इस परियोजना को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज आरा से परारिया तक होगा, जिसकी लेंथ 55 किलोमीटर होगी एवं फेज 1 के निर्माण में 886 करोड़ की लागत आएगी और फेज 2 परारिया से मोहनिया तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 61 किलोमीटर होगी एवं इसके निर्माण में 856 करोड़ रुपए की लागत आएगी एवं इस परियोजना के निर्माण में कुल 1741.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो था बिहार में बनने वाले परियोजनाओं की जानकारी एवं इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किया गया है एवं इन सभी परियोजनाओं के निर्माण में कुल मिलाकर 14,260 करोड़ रुपए की लागत आएगी एवं इनके निर्माण के बाद निश्चित तौर पे बिहार के विकास को गति मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज्ञा दे, नमस्कार, जय हिंद।